किस रूम में आने चाह रहे थे? 1975 से। रिटायरमेंट के बाद आना चाहे थे आप, बल्कि इसी टेम्पल में रहकर आना जी ने इसी टेम्पल को स्टार्ट किया था काम करने। तब कितना बड़ा था टेम्पल? ये इतना ही साइज का था, घेरा हुआ था, खंडर के जैसा बना। और आना जी ने इसको फिर से बनवाया अपने पेमेंट से। तब गांव के लोगों ने सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किया और तब से अच्छा बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया इसको। तो ये हमारे गांव का लास्ट डैम है और लास्ट डैम को हमने पानी को स्टोरेज करके रखा है। अभी इसमें पानी हम स्टोरेज करते हैं, लास्ट डैम से पानी रुकवा के इसमें ग्राउंडिंग करके ये बड़ा पीवीसी पाइप है ना, इससे पानी हमने स्टोरेज इसमें पानी छोड़ देते कुएं में। और इसके अंदर 50-50 इलेक्ट्रिक के पंप है जो यहाँ से पानी उठा के हमने डायरेक्टली टॉप साइड पर पानी छोड़ दिया जहाँ हम पॉइंट पर गए थे। यानी कि गाँव का पानी गाँव में रहे, नदी को समंदर में सरोवर में नहीं जाना चाहिए, ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है। और इसका 50% काम है ये कपार्ड गवर्नमेंट की स्कीम से हुआ है, 50% गांव के वॉलंटियर लेबर से किया गया है। ये जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल है, पुराने टाइम 1978 में हमारे गांव में नशाबंदी की थी, उसके बाद जो गांव के लोग जो दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, उनको हम यहाँ पनिशमेंट किया करते थे। उसको बिजली के खंभे को पूरा दिन को उसको बांध के रखते थे और बाद में इसको फिर गाँव के लोगों में सामने सबके लोगों के सामने इज्जत खराब हो जाएगी। हम लोगों को समझ में आएगा कि एक आदमी दारू पी के इतने उसको पनिशमेंट किया है तो दूसरे बाद वो दूसरा आदमी नहीं पीता था। देखो 1978 में हमारे गांव में नशाबंदी बंद कर दी है, सिगरेट तंबाकू गुटखा हमारे गांव में कुछ भी नहीं मिलता। आप किसी भी टॉल में चले जाएंगे, दुकान में चले जाएंगे और पूछेंगे हमको सिगरेट दो, दारू दो, गुटखा दो, तो बोलेंगे हमारे गाँव में नहीं मिलता है। ये हमारे की खासियत गाँव के, गाँव के लोगों की कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। गाँव के लोगों को इकट्ठा आने पढ़ना जरूरी आना होता है और इकट्ठा आके गांव के लोगों में समझ आनी चाहिए कि ये हमारे बच्चे के लिए हानिकारक है। तो हमारे गांव सब इकट्ठा आ गए 1978 में और वो सब एक फेस्टोल में जला डालकर उसको राख करके हमने गांव को सक्सेस बनाया। आपको